फसले गुल है अब जहां में, हे शहीदों तुम कहां हो। फसले गुल है अब जहां में, हे शहीदों तुम कहां हो। ताजगी है इरफान तो बचपन से इतना अच्छा लड़का था जब तक शहीद हुआ। सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, छोटे बड़े को सबको मालूम है। सबके लिए उसने काम किया, ये इंसानी हकूक़ के लिए काम किया है। इरफान तो इस्लामाबाद में था, वो हम लोग के घर पे मेहमान आया था। 9 दिन हुआ था, वही 9वें दिन तो शहीद हुआ वो। पहले तो इधर सनोखर में धमाका हुआ, ये लोग जाके गया था वहाँ पे, जो जख्मियों को उठाए, पानी डालता था उधर, डॉक्टर के घर से पानी लाया, पाइप मैप लगाया, एम्बुलेंस आए, एम्बुलेंस के पास जो इरफान खड़ा हुआ, जो जख्मियों को डाले, दरवाज़ा पता नहीं खोला था, नहीं खोला था ना, उसी वक्त धमाका हुआ, वही एम्बुलेंस में आया, वो लोग लाया था, बम बम लाया था अपने साथ, हाँ दूसरा धमाके में। मेरा बेटा तो मेहमान आया था घर पे ना, अभी हम लोग जहाँ पे जाएँ ऐसे हमको बेटा मिलेगा? अगर सारी दुनिया में जा के घूमें, मुझे अपना बेटा नहीं मिलेगा। इरफान जैसे लायक बेटा कभी भी मुझे नहीं मिलेगा। दिन रात बैठ बैठ के पढ़ पढ़ के इसीलिए जो एक सेकंड में ख़त्म हुआ, मैंने अपने बेटे का मुंह भी नहीं देखा है। ठीक ठाक घर से निकल के गया, प्लास्टिक में उसे पैक करके लाए, मैं क्या करूँ ऐसी ज़िंदगी को, हम लोगों के घरों को आग लगाई है खाना ख़राब ने। उन्नीस सौ एक में हज़ारा कम्युनिटी अफगानिस्तान से माइग्रेट करके क्वेटा में आई थी, यानी ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है, और ये अलमदार रोड और हज़ारा टाउन में आबाद हैं। तकरीबन 4 लाख से 5 लाख के दरमियान इनकी आबादी है, और ये बड़े मुहिब वतन लोग हैं, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बड़े साफ़ सुथरी कम्युनिटी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस में एक बहुत बड़ी तादाद में हज़ारा कम्युनिटी जॉब कर रही है। 1999 में पहली मरतबा क्वेटा में हज़ारा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ टारगेट किलिंग का आगाज़ हुआ, जब उस वक्त के सूबाई वज़ीर तालीम सरदार निसार अली हज़ारा के ऊपर कातलाना हमला हुआ था। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, और शुरू में तो टारगेट किलिंग होती रही, फिर उसके बाद इज्तिमाई तौर पर जो है वो कत्ल वारदात गरी शुरू हो गई। एक एक दिन में 100-100 लाशें यहाँ पर उठाई गई हैं, और अब तक एक महदूद अंदाज़े के मुताबिक 1000 से ज़्यादा अफराद हैं जो क्वेटा में शहीद किए जा चुके हैं। शहीद मोहम्मद यासर की बड़ी बहन हूँ, और ये मेरी माँ है। 13 साल का था इनका उम्र, और स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ते थे। इसी तरह एक दिन में ही सेंट्रल था, अगरचे इस दिन क्लासेस नहीं था, सिर्फ गेम था, गेम के लिए इन्हें बुलाया था, जिस वजह से गए थे सेंटर। सेंटर वापसी आने पर ये हादसा हुआ, जिसमें हमें पहले मालूम नहीं था कि ये इस तरह हादसा हमारे साथ हुआ। हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, भाई हमारा का है। रात को 11 बजे हम लोगों ने इन्हें समय से ढूंढ लिया बाद में। हम लोग वहाँ पे गए थे यही सोचा कि शायद मेरा भाई जख्मी है, और बार बार मेरी यही दुआ थी कि अल्लाह मेरा भाई ठीक हो, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। पढ़ाई में हमेशा स्कूल में
स्कूल में शुरू से ही नर्सरी क्लास से लेकर सेवन्थ तक हमेशा फर्स्ट पोजिशन मेरी पोजिशन होल्डर थे। सेंटर में भी इसी तरह था और खेल कूद था, बच्चे होते हैं पसंद थे, लेकिन फिर भी स्कूल के साथ साथ ये लोग ये मेरे भाई सेकेंड टाइम काम भी किया करता था। हज़ारा कम्युनिटी को भी इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक शिया सेक्ट से है, अगर शिया सेक्ट से ना होता तो शायद वो भी निशाने पर ना होते। तो सबसे बड़ी वजह तो यही है कि वो शिया हैं। चूँकि हज़ारा कम्युनिटी अपनी शक्ल व शुबाहत से पहचानी जाती है कि ये हज़ारा हैं, और चूँकि हज़ारा 100% जो है वो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा उन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है। मेरा नाम हुसैन अली और वाले साहब के नाम अब्दुल अज़ीज़। हम लोग चार चंडीगढ़ में रहते हैं। एक छोटा भाई है, वो शहीद हो गया तकरीबन। वो जो उस टाइम टारगेट क्लीन हो रहा था, वो लोग इत्तेजाज करने जब गया हुआ था उधर, तो उनको भी शहीद करवा दिया उन लोगों ने। मैंने इनका एक छोटा सा तस्वीर अपने साथ लाया, मैं जिधर भी जाता हूँ इनका तस्वीर अपने पास ही रखता हूँ। ये गाना असल गुल है अब जहाँ में, हे शहीदों तुम कहाँ हो। मैं शाहिद अली, आफ्टर मैनेजर फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, एंड टिल 8th क्लास सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। लेकिन व्हेन आई एंटर इन 9th, स्पेशली जब बोर्ड एग्जाम आया, तो सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन मार्क था कि कैन आई गिव एग्जाम, क्योंकि सबसे पहले जो मसला है वो है हालात, कंडीशन। मेरी अम्मी ने सबसे पहले कहा था अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल मतलब सेंटर जो है अगर कहीं और बाजार एक्सेट्रा में लगा, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगी। क्यों? क्योंकि ख़तरा ही रहता है। अभी जब हम लोग घर से जाते हैं तो हमारी माएँ हमारे, जब तक तो हम लोग घर नहीं पहुँचते, हमारी माएँ दुआ करते काश मेरी बेटी मेरा बेटा सलामत वापस कर रहा है। मेरा नाम सजाद हुसैन है और मैं गवर्नमेंट बॉयज स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जमात दहम में पढ़ता हूँ और जिस हाल में 9th का एग्ज़ाम देना पड़ा वो उसकी हालत बताना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला पेपर जो था उसी दिन हमारे मोहल्ले में एक बड़ा धमाका, जिसमें हमने बहुत सारे भाई शहीद हुए, और उसी कंडीशन में ही हमने एग्ज़ाम दी और हमने कहा कि ये पोस्टपोन किया जाए, लेकिन फिर भी पोस्टपोन नहीं हुआ। फिर हम लोग जब बाज़ार जाते कुछ ख़रीदने के लिए बाज़ार में, वो जो दुकानदार वहाँ पर जो होते हैं वो कहते हैं कि आप हज़ार आप यहाँ पर कैसे आए, आपको यहाँ से हम लोग कैसे कि हम लोग कोयटे में नहीं रहते, हम लोग किसी और मुल्क है, इसी वजह हम लोगों को बोलते हैं कि आप हज़ारा यहाँ पर बाज़ार में कुछ ख़रीदने के लिए आए। हर तरफ हर जगह जब हम लोग जाते हैं सबसे पहले आप लोग हज़ारा हो, क्वेश्चन मार्क, जैसे हम लोग इंसान ही नहीं, हज़ारा है भाई, हम इंसान भी है, हम लोग मुसलमान भी है, हमें एजुकेशन लेने का हक नहीं है। लेकिन नहीं, हर जगह हमें इग्नोर किया जाता है। क्यों? हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, फिर भी हम लोगों को हम पाकिस्तान के हम लोगों ने हमारे हमारे हज़ारा कौम ने पाकिस्तान के लिए शहादत ही दी है, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हम लोगों ने शहादत ही दी है, फिर भी हम लोगों के साथ ऐसे ट्रीट हो रहा है। हम लोगों के 250 बच्चे या जो हम लोगों की हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले इस धमाके में शहीद हुआ, बिरौरी धमाके में जो लोग शहीद हुआ, रमदार रोड में वो लोग जो शहीद हुआ, हमें तो इग्नोर ही किया जाता है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। बींग एज अ शिया, बींग एज अ मुस्लिम, बींग एज अ हज़ारा। मेरे पुलो मेरे कुंचो ए शहीदों तुम कहाँ हो, फसल गुल है अब जहाँ में, ए शहीदों तुम कहाँ हो। ये जो सूफ़ी ट्रेडिशन जनूबी एशिया की है उसमें चाहे बुल्ले शाह हों, चाहे शाह हुसैन हों, चाहे सच्चल सरमस्त हों, अब्दुल लतीफ़ भटाई हों, थोड़ा बहुत जो मैंने इनका मुताला किया तो मैं ये देखता हूँ कि ये अगर ये नहीं कह रहे कि आप अपनी बात को मनवाने के लिए, पहली बात तो ये कि कोई बात मनवाना ही नहीं चाहते, आर्गुमेंटेशन और इस चीज़ के वो हक में नहीं,
उसके बाद एक दिलचस्पी की बात यह है कि ये लॉजिक की बजाय लव की बात करते हैं। उनके मज़ारात पे बड़ा अहतमाम होता है, मलंग होते हैं, रक्स है, मौसीकी है, ख़ानदानी कबालों की एक ट्रेडिशन हमने देखा कि इधर कसूर में बहुत है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि हर वक्त आर्गुमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, लव की बात होनी चाहिए, तो लव कैसे फैलेगा? नाच से, गाने से और फिर इज्तमाही रक्स से, इज्तमाही मौसीकी से। और इससे ये होता है, अच्छा इससे बहुत सारी ये भी चीज़ होती है कि अगर आप दूसरों के साथ बहुत सारी वजूहात के बाय बहुत ना जुड़ रहे हो, तो ऐसी कैफियत में जब सारे ही डांस कर रहे हो, सारे ही नाच रहे हो, तो वो जुड़त भी पैदा होती है। जैसे किसी ने सही कहा कि ऐसे लोग भी तो होने चाहिए कि जो ये जाने कि किसी के मोहब्बत में मुब्तला होकर नाचते कैसे। मैं अकील काजमी, आर्किटेक्ट, और मैं पढ़िया नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स तो, और नाल मेरे पढ़ती सी कट्ठे पढ़ते सी, कट्ठे पढ़ते सा और असी फ्रेंड्स हाँ उत्थे कॉलेज विच ही वी आर फ्रेंड्स और उत्थे ही दोस्ती हुई सी। जी मेरा नाम रुखसाना खान है, तो मैं भी एन सी ए विच पढ़नी सा, एन सी ए तो ग्रेजुएट किया एंड नाउ आई एम वर्किंग एज ए टीचर इन अली इंस्टीट्यूट। सो मैं एज ए थिएटर एक्टिविस्ट भी कम करती रही हाँ और कर भी रही हाँ, फिल्म हूँ भी कर रही हाँ एज एन एक्ट्रेस, एज ए प्रोडक्शन पर्सन और एज ए डायरेक्टर। वी गॉट मैरिड इन 1987 चार पाँच छः साल साड़ी पहले शादी तो पहले दोस्ती रही, वी वर टूगैदर इन द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और असं उत्थे पढ़ने साड़ी दोस्ती सी। शादी दे विच शादी होने दे विच कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए कि शिया फैमिली तो बिलोंग करते हैं और मैं सुन्नी फैमिली तो बिलोंग करनी हाँ। मेरा नाम अतर जानिया है और मैं सैयद फैमिली से, नकवी सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गद्दी नशीन है, दरबार हजरत नूरम जहां ये जहां बस के। मेरा नाम नाजिश है और मर्दान की पैदाइश है, मर्दान में पैदा हुई, एजुकेशन भी वहीं की है, सुन्नी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मर्दान में मैं टीचिंग भी करती रही हूँ, इसके अलावा इसके साथ साथ रेडियो स्टेशन एफएम में भी एज ए प्रेजेंटर भी काम किया मैंने वहाँ पे, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज पे काम करती रही हूँ, वहाँ के इशूज़ पे डॉक्यूमेंट्री बनाती रही हूँ सोशल इशूज़ पे। 2005 में जो है वो हम मीडिया की वर्कशॉप स्टार्ट हैं, इसमें नाजिश ने पहली दफ़ा जो है और मतलब पार्टिसिपेट किया मर्दान से, और फिर वहीं हमारी मुलाकात हुई हमारी मतलब, बल्कि मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं गाना सिंग कर रहा था तो नाजिश ने कहा था कि मैं इसे रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर कर लें, तो वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई थी। डिफरेंट जिनके थे तो जो अक्सर ये गाते हैं प्यार दीवाना होता है, दीवाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से गाना होता है। पता नहीं मैनू कहना था कि इशू सन मेरे घर बेशुमार सन, क्योंकि मैं सब तो छोटा तो सारे वड्डे भरावां दे और फैमिली विच अदरवाइज भी सारी शादियां ना सिर्फ शियां विच होईयां ने बल्कि सैयदा विच होईयां, तो पहली दफ़ा लोगों ने सुनिया कि नहीं ए कुछ होर होने लग्या, सो दे वर वेरी वरिड एंड माई फादर एक्चुअली हैड मदर वॉज विद मी, ही हैड नो प्रॉब्लम्स but father had lot of problems. So हमारी फैमिली में एज सच कास्ट की वजह से तो इतना इशू नहीं था, लेकिन सेक्टेरियन इशू जो था ना, वो क्योंकि 86 में सेक्टेरियन इशूज़
मार्शल लॉ भी लगा हुआ था और वो शुरू हो चुका हुआ था सिलसिला उस ज़माने में। काफ़ी रिश्ते आते रहे, उसको रिजेक्ट करती रही मैं, फिर आखिरकार बता दिया मम्मी को, जब पता बताया मैंने उनको कि वो अहलतशी हैं और इस तरह, तो काफ़ी अम्मी लोगों ने कि नहीं अबू नहीं मानेंगे, अम्मी को पहले बताया बड़ी बहन को, तो अम्मी ने कहा कि नहीं अबू नहीं मानेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, वो तो शीहा है और ऐसा तो हो नहीं सकता, कि आपस में उनको ये भी था कंफर्म कि सुन्नी शिया की शादी होती है या नहीं होती, तो वो कह रहे थे नहीं ऐसा तो होता नहीं है, शादी नहीं होती, तो मैंने कहा नहीं होता है। बाद में फिर ऐसा इशू सामने आना शुरू हो गया कि वो अलहदी सब वहाँ भी तो नहीं है, वो सैयद नहीं है, सैयद होना ज़रूरी है, जो नस्ल होती है वो बड़े बेटे चलती है। उनसे बात की कि अब फाइनल बताओ तुम्हारा क्या है, क्योंकि वो उधर से भी कोई मुझे तुम नहीं बता रही हो कि वो आएंगे या नहीं आएंगे या क्या मसला है, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं उनसे बात से बात करती हूँ कि क्या है। फिर यही फैसला हुआ कि चाहे घर वाले शामिल हों या ना हो, शादी तो करनी है। साढ़े तीन बच्चे ने, दो बेटियाँ ने, एक बेटा है, और बच्चों की मेरे ख्याल दे विच माँ दी थिंकिंग और माँ दे एवरीडे बिहेवियर बहुत काउंट करता है कोई भी कार बनाने विच। कोई सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट होए भी ना, तो असी उनू एज अ जोक लैने, उनू थोड़ा जा लाइट करके ना उनू डिस्कस भी करने हैं उस मैटर नू, असी मतलब एक अपनी आर्टिफिशियल फाइट बना लेने हैं एंड वी कीप फाइटिंग विद ईच अदर ऑन दैट, अपनी गल भी कर जाने हैं, चिल्ड्रन आल्सो एंजॉय दैट, और अपनी गल भी कर जाने हैं टू सम हाउ अपने सेक्ट नू सेफ भी कर लेने हैं, और लेकिन मुख्तलिफ तरीके दे नाल, उस तरह लड़के नहीं, सटायर उस तरह, उस तरह मेरे ज़हन में कभी भी ये नहीं था कि मुझे जो इनहेरिटेंस की वो जो प्रॉपर्टी का वो सारी चीज़ें वो जो होती है कि वो चाहिए होती हैं या वो सपोर्ट चाहिए होती है, उसका कभी मुझे वो जहन में रहा ही नहीं है। सो एक बड़ी सपोर्ट जो मेरे अंदर की जो सपोर्ट थी वो यही थी कि जिसने मुझे टूटने नहीं दिया, जिसने मुझे अपने फैसले से हटने नहीं दिया। शादी से पहले भी और अभी भी अगर मैं थोड़ा सा भी मेरे जहन में ऐसा होता है कि अगर अथर मेरे साथ ना हो या किसी वजह से हम अलग हो जाएं कुछ, तो फिर क्या वो सोच के मेरी जो फीलिंग वो होती है अजीब सा वो होता है, मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती इनके बगैर। अज़हा के दूसरे दिन मेरा भाई ने मेरी अम्मी से कहा कि उसको चांपे खानी है, और अम्मी से कहा कि उसने कोई चांपे बना के दो, और मैं अम्मी अभी फ्राई कर रही थी वो बाइक पे निकला है, अम्मी ने भाग के मुलाजिम से कहा कि तुम इसको रोको, ये चांपे खा ले, मैं चांपे बना दिए। अम्मी को नहीं पता था कि शायद इसने वापस नहीं आना। हमें आधे घंटे बाद कॉल आई कि मिस्टर हॉस्पिटल एमरजेंसी हॉस्पिटल वार्ड से कि आप जल्दी पहुँचें, आपका बेटा जो है वो इधर जख्मी हालत में मौजूद है। हम शायद यही समझ रहे थे कि शायद एक्सीडेंट हुआ। मैं वहाँ के कहनी शायद ने बताया कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। हेडर से पूछा कि कैसे, तुम कैसे लगा? उसने कहा कि ये लड़का बाइक पे आके जा रहा था, इसको पीछे से गाड़ी ने हिट किया, जब ये सड़क पे गिरा तो उसको कुचलता रह गया। वो कभी गाड़ी को आगे ले जाता था, फिर गाड़ी को पीछे ले आता था, फिर गाड़ी को आगे ले जाता, और जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि इसकी डेथ हो चुकी है, तब तक वो उधर उसके ऊपर से गाड़ी चलाता रहा। हम जब उसके इन्वेस्टिगेशन में, जब हमें उस बंदे ने उसका गाड़ी का नंबर बताया, तो हम उस गाड़ी की खोज में लग गए कि ये किसकी गाड़ी है, और खोज के बाद में पता चला कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के एक कालिदम तंजीम को जो हेड कर रहा था बंदा, उसके बेटे के पास थी वो गाड़ी, और उस वक्त उसका बेटा ही गाड़ी चला रहा था, और हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला।
आज तक हमारी FIR पर कोई भी पेशरफ नहीं हुई। आज तक हमारा केस उसी थाने में पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। बहुत सारे नोटिसेज लिए जाते रहे यहाँ पर। हमने किस हर जगह पर एप्लीकेशन दी है, हर एक जगह पर जहाँ से हमें इंसाफ की तवक्को थी, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ My name is Sayeda Kanzal Fatma Arif Hussain Zaidi and I'm a student of film at the National College of Arts and currently I'm an MA in Lahore but originally I'm from Rawalpindi and I belong to a Sunni family. My name has like honestly abhi bhi a lot of people when they hear it they just assume that I'm a Shia, okay, and my name's always been that way, like as long as I can remember. Mujhe Sunni Shia ka pata bhi nahi tha till I was at the age of like in 10 or 11 because my parents never told me. ये जो शिया नाम होते हैं ना उसका फॉर एग्जांपल बतूल फातमा होता है, मेरा नाम ही कंजुल फातमा है, ठीक है, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग। देन देयर इज हुसैन, इमाम आफ्टर इमाम हुसैन, एंड देन जैदी आफ्टर इमाम जैन अलाबुद्दीन। सो बोथ ऑफ दीज नेम्स आर वेरी शिया अपेरेंटली, ठीक है, हिस्टोरिकली भी इमाम हसन हुसैन देन इमाम जैन अलाबुद्दीन, ऑल ऑफ दीज पीपल आर एसोसिएटेड विद द शिया कम्युनिटी। However, as even as a Sunni family, as being a Sayyid descendant of the Prophet, हम लोगों के भी फैमिली के अंदर इनका एहतराम उसी तरह से होता है जैसा शिया फैमिलीज में होता है। When I was in fourth grade and मैं स्कूल गई हूँ एक दिन and this girl comes up to me and she goes like तुम बहुत झूठी हो, and I'm like okay झूठी why, and she goes like तुम श्योर तुम बताती नहीं हो, and there was a group of 10 kids, ठीक है, वो बस खड़े हुए हैं मेरे इर्द गिर्द और हूटिंग शुरू हुई है, शिया 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 शिया, and I'm like I came home crying and completely like devastated कि ये क्या, it's a bullying of another sort. की खास तौर पर इज्तमाही रक्स की हो रही है तो देखिए बुले शाह साहब से ही रेफरेंस मिल जाता है। एक काफ़ी देखे कि छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गई हाँ तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। तो वो मुझे अब ये नहीं पता कि वो कैसे गाते थे या क्या, मगर इस शायरी शायरी रास्ता दे रही है इसमें बहुत ज़्यादा। तेरे इश्क नचाया हो तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। इस तरह जिंदगी गुजारी है और मतलब साड़ी होप्स कभी भी नहीं मर सकदियाँ, बिकॉज असी जानने हैं कि साढ़े वर्गे बहुत लोग ने, और ऐसी कोई गल नहीं हैगी। अज भी कई लोग एनकाउंटर असी करने हैं जिन्होंने कि जेड़े मतलब क्रॉस सेक्टेरियन मैरिजेस वाले लोग ने जेड़े मिलते हैं और दे आर वेरी हैप्पी। 2002-2003 से मैं IRC के साथ थिएटर कर रहा हूँ। थिएटर ने मुझे बेहद ट्रांसफॉर्म किया, यानी मैं अब लोगों को फिकों में, मजाहिब के फ़र्क में, ज़ात पात के फ़र्क में नहीं देखता, बल्कि मुझे यही एहसास होता है कि ये मेरे जैसे इंसान हैं, और ख्वाह वो किसी ज़ात पात से हो, ख्वाह वो किसी मज़हब से हो, ख्वाह वो किसी भी फिक से ताल्लुक़ रखता हो, मुझे वो अपने जैसा लगता है। डर तो नहीं लगता है हम लोगों को कभी भी डर नहीं लगता है। हम लोगों का इतना बड़ा मौला है, हम लोग का मौला को जब डर नहीं लगा हम लोगों को भी डर नहीं लगेंगे। मैं समझनी है कि साढ़े जिस तरह बच्चे ने दे आर आर होप्स होप यू कैन से। जब भी हम लोग कायदे आज़म के लेक्चर सुनते हैं हमें बहुत फ़ख्र महसूस है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें कुछ करना है, वी आर द न्यू बिल्डर्स ऑफ आवर नेशन। Apart from what happened outside in the world, that was traumatizing. But once I came home, had my parents tell me that there's really no difference. It's just the fact that
यू रिस्पेक्ट एंसेस्टर्स द वे दे शुड बी सो देर इज रियली नो डिफरेंस. तो उसके बाद आई हैव नेवर फेल्ट एनी बायस और एन इशू. एक दुनिया है विच इज फाइटिंग अगेंस्ट इट ऑल्सो एट द सेम टाइम. देर आर ग्रुप्स, देर आर पीपल, देर आर ऑर्गेनाइज्ड सेक्शंस इन द सोसाइटी, द सिविल सोसाइटी हु आर रियली जेहड़े फाइट कर रहे ने एदे उत्ते और सड़कां ते ने, मतलब जेहड़े सेक्टेरियन किलिंग्स होंदियां ने उहदे बाद जेहड़े जुलूस निकलदे ने, जेहड़े धरने होंदे ने उहनां विच, मतलब असीं फील करने आ माइनोरिटी सारियां होंदियां ने. ईवन मेजोरिटी सेक्स दे विचों बेशुमार लोग उहदे विच आंदे ने. Oh, 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 oh